दमोह में एक दिन में 6 बच्चों की डूबने से हुई मौत पर प्रदेश के खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। लेकिन कर्मचारियों को एक बड़ी समस्या रही है, पहले कैबिनेट से मंजूरी भी हुई थी अतिरिक्त पदों की, क्या सर धरातल पे क्या वो कार्य उतर पाया है, क्या तैयारियां? नहीं, बहुत सी चीजें हमारी लाइन अप हो गई हैं और कैबिनेट से भी हमें मंजूरी मिल गई थी और बहुत से हम लोगों को होमगार्ड्स को लेके भी और जवानों को लेके भी बात आई थी, जो हमें होमगार्ड्स मिल चुके हैं और जो हमारे जगह खाली हैं उनकी भी बहुत जल्दी हम पूर्ति कर रहे हैं। स्टाफ की भी मंजूरी हमें कैबिनेट से हमारी पास हो गई है, अब वो फाइनेंस में हमारी बातें पड़ी हुई हैं, वो जो लगता है मुझे बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी। सर नागपुर के बीच में बनना है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि 70% हिस्सा यहाँ से गुजरना है, लेकिन रूट में बदलाव हुआ है, बजाय नरसिंहपुर सिवनी के वो विदिशा भोपाल होता हुआ जा रहा है, महाकौशल की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इसमें तो निर्णय एक ऊपर से सेंट्रल से और स्टेट से कंबाइन होकर सब चीज़ें निकलती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं क्योंकि ये सुविधा की दृष्टि से भी ये देखा जाता है कि कहाँ पे बेहतर होगा और इसलिए उस हिसाब से निर्णय होते हैं, तो ये सेंट्रल के अपने निर्णय हैं जो उन्होंने कुछ सोच विचार के ही लिया होगा। प्रशासन को जब उन्होंने जानकारी दी तो बहुत लेट पहुंचे हैं, आईडी का सब्जेक्ट वाइज। अब बेसिकली कोई घटना दुर्घटना या अचानक ही होती है, तो इसलिए यदि कोई घटना घटी है तो उसमें निश्चित रूप से उसका एक जांच का विषय बनता है, जो जांच में पक्ष विपक्ष की जो बातें आती हैं उस हिसाब से फिर सरकार उसे फैसला करती है और उस पर कार्रवाई करती है। सर महत्वपूर्ण बात सर ये भी है, जो खनन होता है उसमें लैंड फिलिंग नहीं होता, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह ऐसे कृत्रिम तालाब बन जाते हैं और ऐसे तालाबों में डूबने से बच्चों की मौतें होती है, जबलपुर में हुआ था तो में 5 बच्चों की मौत हो गई, तो ये नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब उसमें बहुत सी कंडीशंस जैसे मेजर मिडल में लेके तो रहती थी, एग्रीमेंट्स में भी वो चीज़ें होती थी, जैसे कि कहीं पे भी यदि हमारा उत्खनन हो गया तो उसको रिफिल करके उसको प्लेन करने वाली बातें थी, और यदि ये एग्रीमेंट में चीज़ें हैं तो उस पर तो फिलिंग होती है और जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती है उस पर कार्रवाई भी होती है। सर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने से आते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं बचा और तीसरा दल आएगा तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, इस तरह से देखते हैं। अब ये उनका इनर मामला है, अब इनर में उनकी इनफाइट्स जो चल रही हैं वो तो सब सार्वजनिक हैं और इसलिए उसी का रिजल्ट है कि आपने देखा होगा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जिस हिसाब से विजय आज भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जनता ने हमें समर्थन दिया है, क्योंकि विरोध में हमें कोई दल दिखता नहीं है।